रायपुर में सीएम विष्णुदेव साय संविधान दिवस पदयात्रा कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। कार्यक्रम में आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने यहां पर संबोधित किया है। संविधान के 75 साल पूरे होने पर संविधान दिवस पर पदयात्रा का आयोजन, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह यहां पर शामिल हुए हैं। पदयात्रा में पंडित जवाहरलाल नेहरू सभागार में आयोजन हुआ, जहां मुख्यमंत्री शामिल हुए। इसके बाद अंबेडकर चौक तक यहां पर पदयात्रा निकाली गई। अंबेडकर चौक पहुंचकर यहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया है। पदयात्रा में सभी मंत्री विधायक कार्यक्रम में मौजूद रहे हैं। कार्यक्रम में सीएम साय ने संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय संविधान की खूबियां और महत्व को अवगत कराने के लिए आयोजन की शुरुआत की गई है। हमारा संविधान लचीला है। संविधान में माता सीता और राम की तस्वीर अंकित है। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बनने के बाद 11 महीने में हमने ऐसी नीति बनाई है जो सरकार की योजना और नीतियों का लाभ प्रत्येक जन जन तक पहुंचा सके। आज मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में इस पदयात्रा का शुभारंभ हुआ है। वहां से लेकर यहां घड़ी चौक तक, जहां बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो संविधान के निर्माता हैं, उनके मूर्ति तक आए और उनको माल्यार्पण किए हैं। और हमारा ये देश सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है विश्व का, और ये संविधान हम भारतवासियों के लिए एक पवित्र ग्रंथ है जो सबको स्वतंत्रता से जीने का अधिकार देता है, सबको अपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। और हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को कि लोग संविधान को ठीक से जाने और इसके लिए पूरे साल भर को स्मरण उत्सव के रूप में मनाने का आह्वान किया है। अब साल भर संविधान को लेकर कोई न कोई कार्यक्रम होते रहेंगे और इस देश का एक एक बच्चा बच्चा संविधान के विषय में जानकारी लेगा। 2024 से स्मरण उत्सव का आयोजन शुरू हो रहा है। यह उत्सव साल भर चलेगा। इसके लिए हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान टैगलाइन तय की गई है। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भारतीय संविधान की खूबियों और इसके महत्व से जन जन को अवगत कराने के लिए इस आयोजन के रूप में एक और नई परंपरा की शुरुआत की है। संविधान निर्माण के 75 वर्षों बाद भी देश के कई हिस्सों तक संवैधानिक अधिकारों की रोशनी नहीं पहुंच पाई है। जब तक यह काम पूरा नहीं हो जाता, तब तक हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और संविधान निर्माताओं के सपने पूरे नहीं हो सकते। साल भर चलने वाले स्मरण उत्सव के माध्यम से इन सभी लोगों को जागरूक किया जाएगा। हमारा संविधान भारत की पुरानी संस्कृति, इतिहास और परंपराओं का आईना है। यह संविधान हमारे सदियों के संघर्ष, अनुभव और उपलब्धियों का प्रतिफल है। इसलिए इस बात को समझना जरूर है कि हमारी विरासत और हमारे संविधान में कितना गहरा रिश्ता है। हमारे संविधान निर्माताओं ने जहां पर मौलिक अधिकारियों की बात लिखी है, वहां भगवान श्री राम, माता सीता और भैया लक्ष्मण की तस्वीर अंकित की है। यह तस्वीर तब की है जब भगवान श्री राम लंका विजय के बाद अयोध्या लौट रहे थे। हमें इस बात को समझना होगा कि हमारे संविधान निर्माताओं ने इस तस्वीर के माध्यम से हमें क्या संदेश दिया है। संविधान में ऐसे ही अनेक चित्र और संकेत हैं जिनके माध्यम से संविधान निर्माताओं ने इंगित किया है कि हमें भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्यों के साथ लोकतंत्र को आगे बढ़ाना है। यह भी हमारे संविधान की एक बड़ी विशेषता है कि यह लचीला है। हमारे संविधान निर्माताओं ने देश पर अपनी इच्छाओं और विचारों को लादा नहीं, बल्कि अपनी दूरदर्शिता से भावी पीढ़ी के लिए यह गुंजाइश छोड़ी कि वह अपने समय की परिस्थितियों, अपने समय के ज्ञान, अपने समय की आवश्यकताओं के अनुसार इसमें संशोधन कर सकें। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार के गठन के बाद पिछले 11 महीनों में
हमने भी इसी दिशा में योजनाएं और नीतियां बनाई हैं। हमने सुशासन की स्थापना को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता में रखा है ताकि लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचित सरकार की योजनाओं और नीतियों का लाभ प्रत्येक नागरिकों तक पहुंचाया जा सके। बस्तर के दुर्गम क्षेत्र में लोकतंत्र को बचाने और लोगों तक उनके संवैधानिक अधिकारों को पहुंचाने के लिए नियत नीलानार जैसी योजना हमारी सरकार चला रही है। लोकतंत्र और संवैधानिक अधिकारों को लेकर जागरूकता की कमी के कारण ही बस्तर में नक्सलवाद को पैर जमाने का मौका मिला। हम लोग सुरक्षा और विकास की रणनीति पर अमल करते हुए दुर्गम क्षेत्र के लोगों को देश की मुख्यधारा से जोड़ने का काम कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ के सभी वर्गों के विकास के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी करिश्मा हमारे साथ रायपुर से जुड़ चुकी है। करिश्मा, आज संविधान दिवस पर 75 साल जब पूरे हुए हैं तो यहाँ पर पद यात्रा का आयोजन, बहुत ही सुंदर तस्वीरें आपके माध्यम से हमें देखने को मिली है। हाथों में तिरंगा लिए हुए मुख्यमंत्री आगे चल रहे थे, मुख्यमंत्री ने संबोधित भी किया है, क्या कुछ उनका कहना है? जी बिल्कुल, देखा जा सकता है आज संविधान दिवस है जिसे लेकर के राजधानी रायपुर में एक भव्य कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया गया था। और ये जो कार्यक्रम था खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा जो है आयोजित किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ उप मुख्यमंत्री अरुण साव, साथ ही में वन मंत्री केदार कश्यप, खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल और खेल मंत्री टंकराम वर्मा जो है शामिल हुए थे। इसके साथ राजधानी रायपुर के जो विधायक गण है वो भी इसमें शामिल हुए। और देखा जा सकता है जब ये कार्यक्रम संबोधित कर रहे थे तब मंत्री ने जो है कहा कि सभी पूरे प्रदेशवासियों को और देशवासियों को जो है इस संविधान दिवस की बहुत बहुत बधाई। और जिस तरीके से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि संविधान के निर्माता है, उन्होंने जो संविधान निर्मित किया है तो वो हम सभी को अपने भावों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता देता है। उसके साथ हम सभी को जो है अपनी अलग पहचान बनाने का जो मौका है वो ये संविधान देता है। इसके साथ साथ उन्होंने संविधान में जिस तरीके से देखते हैं खूबसूरत आगे प्रस्तावना है उसको लेकर के चर्चा की, साथ ही में संविधान में जितने भी आर्टिकल्स हैं उनको लेकर के चर्चा की, साथ ही में देखा जा सकता है संविधान में जो चित्रकलाएं हैं उन्हें लेकर के भी मुख्यमंत्री ने यहाँ पर जो है संबोधन में, छोटे छोटे बच्चे जो है विद्यार्थी आज इस पद यात्रा में शामिल होने आए थे, उन सभी से जो है अपने विचार भी संविधान को लेकर साझा किए। साथ ही में कांग्रेस पार्टी पर भी निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री नजर आए। उन्होंने कहा कि जो लोग ये नारा देते हैं कि संविधान खतरे में है और वही लोग हैं जिन्होंने देश में इमरजेंसी लगाई, लोगों की जो है कितनी ज्यादा तरीके से देखा, दंगे में हत्याएं हो गई, लोकतंत्र को कहीं ना कहीं खत्म करने का काम जो है वो विपक्षी दल ने किया। और लगातार जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी संविधान खतरे में है का नारा देती है, भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने की, साथ ही में तमाम हम देखते हैं अभियान करते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं, उसमें भी संविधान की किताब हाथ में लेकर कांग्रेस पार्टी के बड़े दिग्गज नेता नजर आते हैं। इन सभी पर निशाना साधते हुए जो है मुख्यमंत्री ने अपना बयान भी दिया। मुख्यमंत्री ने कहा ऐसे लोग जिन्होंने देश में लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की, संविधान में संशोधन किया, ऐसे लोगों की बात जो है संविधान की बात जो है ऐसे लोगों के मुंह से शोभा नहीं देती। इसके साथ साथ पूरे प्रदेशवासियों को उन्होंने शुभकामनाएं दी और कहा कि जो युवा पीढ़ी है वो किस तरीके से हमारे संविधान से जुड़ सकती है उस पर उन्होंने फोकस किया। साथ ही में कहा सभी को हमारा जो इतिहास है वो पढ़ने की जरूरत है, हमारे संविधान को पढ़ने की जरूरत है ताकि वो इतिहास से और करीब हो जाए। साथ ही में जो जो चीजें संविधान में है, जो जो अधिकार हमारे संविधान में लोगों को मिले हैं, आज तक पूरे देश में कई ऐसी जगहें हैं जहां तक जो है संविधान की किरणें नहीं पहुंच पाई है, तो ऐसी जगहों पर जो है संविधान को पहुंचाना है, लोगों के अधिकार से हक से जो है उन्हें अवगत कराना, इन तमाम चीजों को लेकर के देखा जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी जो है यहाँ पर एक अभियान भी चलाने वाली, साल भर जो है ये अभियान चलने वाला है। मिलाकर जागरूक करते हुए भी मुख्यमंत्री नजर आए हैं पदयात्रा के दौरान। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।